और खबर भोपाल से, पीएम मोदी के दौरे को लेकर अब तैयारियां शुरू। पीएम के दौरे को लेकर सीएम बैठक करेंगे। 8 नवंबर को मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। 15 नवंबर को भोपाल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जनजातीय गौरव दिवस में शामिल हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल आएंगे। जनजातीय आदिवासी महोत्सव में भी वो शामिल, जनजातीय गौरव दिवस में माफ कीजिएगा, वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जोरों शोरों से तैयारियां शुरू। 8 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो अपने आप में खास, प्रधानमंत्री आ रहे हैं मध्य प्रदेश। 15 नवंबर को आएंगे प्रधानमंत्री, उससे पहले अब तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। सदफ हामिद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुकी हैं। सदफ, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उससे पहले अब तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, 15 नवंबर को पीएम मोदी भोपाल आएंगे और जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावा जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया है हबीबगंज, उसका यहां पर लोकार्पण भी पीएम मोदी करेंगे। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के हबीबगंज स्टेशन में ही मौजूद हैं, जिसे एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ पर हर सुविधा है, सर्व सुविधा युक्त इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है और वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन है। इस वक्त हमारे साथ जिस प्रोजेक्ट के मैनेजर डायरेक्टर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन बनाया गया है, क्या कुछ वो सुविधाएं हैं जो किसी और जगह नहीं है? जो अभी आप देख रहे हैं, इस जगह को एयर कॉन्कोर्स कहा जाता है। आसान भाषा में बोलें तो ये फुट ओवर ब्रिज ही है, मगर फुट ओवर ब्रिज अमूमन आप रेलवे स्टेशन पर देखते हैं तो वो 5 मीटर या 6 मीटर चौड़ा होता है। यहाँ पे पुराना फुट ओवर ब्रिज हटाकर हमने जो है एक 36 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज बनाया है। ये जो है ये पैसेंजर वेटिंग एरिया है। यहाँ पे जितने भी ट्रेन पकड़ने वाले पैसेंजर्स हैं वो वेट करेंगे, और जब उनकी ट्रेन आएगी तो आप दोनों तरफ देखिए, भोपाल एंड और इटारसी एंड पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे उतरने के लिए भोपाल एंड पे ट्रेवलेटर है और इटारसी एंड पे एस्केलेटर है, तो पैसेंजर उतरेंगे वहाँ से। उसके अलावा एयर कॉन्कोर्स पे जो है वो एंटरटेनमेंट जोन है, फूड जोन है, रिटेल जोन है, किड जोन है, ताकि जो भी पैसेंजर वेट करे उसको जो है उसका मन लगे यहाँ पे और वो एक नया पैसेंजर एक्सपीरियंस लेकर जाए हबीबगंज स्टेशन से। ये हमारी पूरी कोशिश है। सर, अगर देखा जाए तो सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और ये जब वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया गया है तो यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के मद्देनज़र जो है वो मेजर जो है वो किसी भी कोई भी एरिया जो है वो कैमरे की आंख से बचा हुआ नहीं है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि आप कैमरे की नजर में। एक सवाल मेरा भी होगा, मैं बीच में टोक रही हूं। सवाल ये है कि बहुत शानदार रेलवे स्टेशन है, आप कैमरे की आंख से कभी और ये शानदार रेलवे स्टेशन, ये वर्ल्ड क्लास जिसे हम कह रहे हैं, सदफ ये सवाल जरूर पूछिएगा उनसे कि ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि कोई भी जब इतनी शानदार चीज़ बनती है तो इसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे एयरपोर्ट में हमेशा सफाई रहेगी, कचरा नहीं रहेगा। आमतौर पर रेलवे स्टेशन के हालात कुछ ऐसे ही होते हैं कि कचरा, सफाई नहीं है, गंदगी है, लोग कहीं भी पड़े हुए हैं, तो ये इन तमाम चीज़ों का कि एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलती रहें और ये हमेशा ही ऐसा खूबसूरत बना रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ज़रूर देखा जाता है आपने वर्ल्ड क्लास स्टेशन बना दिया, अभी शुरुआत में तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसका मेंटेनेंस किस तरह से किया जाएगा कि ये हमेशा इसी तरह से रहे? देखिए, स्टेशन वर्ल्ड क्लास बना दिया है, ये एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। आप अगर इसके डोम की हाइट्स वगैरह देखेंगे, दर्शकों को भी दिखाइए, और जो हमने चलते हुए स्टेशन पे, कभी भी स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के दौरान, निर्माण के दौरान कभी भी ट्रेन नहीं रोकी गई है, और अब कंस्ट्रक्शन काम तो इसका संपूर्ण हो चुका है। इसके अलावा 5 साल तक इसकी जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है, जिसको बोलते हैं स्टेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट, वो भी बंसल ग्रुप के पास में ही है। तो क्योंकि ये हमारा बेबी है, हमने इसको बनाया है, तो प्यार भी हमारा उसके साथ इतना ही है कि हम उसको उसी तरह से रखेंगे। तो आने वाले 5 साल तक जो साफ सफाई मेंटेनेंस है इक्विपमेंट्स की, या जो क्लीनिनेस है, या जो गार्बेज सेग्रीगेशन सिस्टम है, गार्बेज डिस्पोजल है, वो जो है 5 साल तक जो है बंसल ग्रुप के पास ही है। और 5 साल का जो वक्त है वो काफ़ी एक बड़ा वक्त होता है,
इस ड्यूरेशन में काफ़ी कुछ बदलाव, हर एक का माइंडसेट इस तरह से हो जाएगा कि ये आने वाले समय में भी इसी तरह से आपको साफ सुथरा और सर सुविधापूर्ण मिलेगा आपको। बिल्कुल सर, अगर बात की जाए कितना समय इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगा है, क्योंकि काफ़ी ये बड़ा स्टेशन है, हर यहाँ पर सुविधा दी गई है, तो इसमें समय भी ज़रूर लगा होगा। जी देखिए, इसमें करीब करीब 4.5 साल का वक्त लगा है। इसका जो टाइमलाइन था वो 3 साल का था, पर अनफॉर्चुनेटली बीच में जो एक कोविड का जो स्पेल आया, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव, उससे वर्किंग पे बहुत मेजर इफेक्ट पड़ा है, खासकर सेकेंड वेव से। तो ये थोड़ा टाइमलाइन में जो है वो आगे बढ़ा है, तो 4.5 साल में ये कम्प्लीट हो गया है। बिल्कुल, देखिए आपने अक्सर श्रद्धा देखा होगा कि एयरपोर्ट पर इस तरह की जो सुविधाएं रहती हैं बैठने के लिए, वेटिंग के लिए, वो रहती है, लेकिन इस वक्त हम किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि राजधानी भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर मौजूद। बिल्कुल, और सदफ ये वाकई में अपने आप में ये हम कह सकते हैं कि एक कदम विकास की ओर बढ़ा है कि ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट नहीं एक स्टेशन है। बस जरूरत होगी कि ये ऐसे ही मेंटेन रहे, हर कोई इस बात का ख्याल रखे कि यहाँ पर आना है तो इसे साफ सुथरा भी रखना है, आम जो स्टेशन के हालात होते हैं वैसा नहीं करना है, यह हर किसी की जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ आपका तमाम जानकारी देने के लिए।